हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए, और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारे चैनल पे हम हर वक्त नए नए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स का सहारा लेते हैं, चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं और समझ लेने की कोशिश करते हैं कि इंडिकेटर्स किस तरह से वर्कआउट होते हैं, चार्ट पैटर्न किस तरह से वर्कआउट होते हैं, उसी तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न भी किस तरह से वर्कआउट होते हैं। तो ये रेगुलर बेसिस पे हम हमारे चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं, और ऐसा भी है कि हम जब भी डिस्कस करते हैं तो मैक्सिमम टाइम पे हम लाइव चार्ट के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यानी कि बैक टेस्टिंग करने के बजाय अगर लाइव चार्ट पे हमें वो सिनेरियो मिलता है तो उसका फायदा यही होगा कि अब आप आगे जाकर कुछ दिनों के लिए उसे ट्रैक करेंगे और आपको समझ में आएगा कि जो भी हमने एनालिसिस किया था उसमें किस तरह से फिर बाद में जाकर मूवमेंट आई है, राइट। तो जब भी हम लाइव चार्ट पे देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, और आगे जाकर ट्रैक करेंगे तो ये भी समझ में आएगा कि मूवमेंट भी किस तरह से आती है, राइट। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे स्टॉप लॉसेस भी हिट होने वाले हैं, टारगेट भी हिट होने वाले हैं, ये तो होते ही रहने वाला है। लेकिन जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करना पड़ता है। यानी कि जब भी हमारे लॉस होते हैं तो वो डिफाइंड लॉसेस रहते हैं, कम से कम लॉसेस रहते हैं। लेकिन अगर स्टॉक डायरेक्शन में जाने लगता है तो प्रॉफिट को हम ट्रेल करते करते मैक्सिमम लेने की कोशिश करते हैं। यानी कि स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे तो भी लॉस कम होगा, और जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा खासा मिलेगा। तो कुल मिलाकर हमारा पोर्टफोलियो अच्छे खासे प्रॉफिट में ही रहेगा। तो इस तरह से हम करने की कोशिश करते हैं। तो आज के दिन में मुझे एक पर्टिकुलर सिनेरियो के साथ एक स्टॉक मिला है और उसी वजह से हमने ये स्टॉक का सिलेक्शन किया। जैसे कि आज के टाइटल यानी कि वीडियो का टाइटल है कि आज की वीडियो में जो भी स्टॉक हम डिस्कस करेंगे उसने एक टेक्निकल इंडिकेटर को यानी कि मूविंग एवरेज को भी अच्छी तरह से सस्टेन किया है ब्रेकआउट देकर, और उसी तरह से एक पैटर्न ब्रेकआउट में भी ट्रेड कर रहा है। कैंडलस्टिक भी हमें अच्छी खासी बुलिश मिल गई है, राइट। वॉल्यूम भी अच्छा खासा चार्ट पे दिख रहा है, तो कुछ ऐसे सिनेरियो दिखे हैं चार्ट पे, इसलिए हमने ये स्टॉक का सिलेक्शन किया है। तो दोस्तों, ये स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई प्रू लिमिटेड का। यहाँ पे दोस्तों, ये इसका हमने मंथली चार्ट ओपन किया और ये कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी चार्ट के ऊपर हमने 200 एसएमए ड्रॉ किया है, अभी यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ये चार्ट देखेंगे तो इतना ही चार्ट है। जब भी हम सिंपल मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं और जो भी पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज रहता है तो उतने प्रीवियस पीरियड में कैंडलस्टिक बनने चाहिए, क्लोजिंग वैल्यूज मिलने चाहिए, उसके बाद ही वो लाइन ड्रॉ होना शुरू होती है। अभी मंथली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें 200 कैंडल्स नहीं मिल रहे हैं, उसके वजह से ये यहाँ पे हमें लाइन नहीं दिख रही है। अभी मंथली का सिनेरियो देखेंगे तो दोस्तों, ये अगर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव लेते हैं तो इस तरह से ये पर्टिकुलर स्टॉक पूरा साइडवे में ट्रेड कर रहा है। जैसे कि ये निचला दायरा है इसका और ये ऊपर वाला दायरा है, नीचे से ऊपर जाता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ तक जाता है, फिर नीचे आता है, रेजिस्टेंस यानी कि सपोर्ट यहाँ पे नीचे लेता है और उसके बाद उसमें अपर साइड की मूवमेंट आती है। मंथली बेसिस पे अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत ही बुलिश सिनेरियो दिख रहा है और लग रहा है कि एक बार यहाँ तक वो जरूर जाएगा। तो मंथली बेसिस पे मोमेंटम अपर साइड में ही दिख रहा है। अभी मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करता हूं। अभी वीकली चार्ट पे देखेंगे तो सेम लाइन हमने जो भी ड्रॉ की थी है हमें यहाँ पे भी दिखेगी, यहाँ पे भी हमें 200 एसएमए नहीं दिख रहा है। अभी डेली पे वो हमें दिखेगा, वहाँ पे हम देखेंगे कि क्यों हमने 200 एसएमए का सिलेक्शन किया है। अभी वीकली बेसिस पे भी देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, सपोर्ट लिया
ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर गया। अभी देखेंगे तो हमें बाइंग प्राइस, जब भी हम अच्छे खासे सपोर्ट पे और बॉटम पे ये स्टॉक को ढूंढने की कोशिश करते तो हमारा नजरिया यहाँ पे होना चाहिए, हमें यहाँ पे ही एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब भी मार्केट में पूरी तरह से फॉल आने लगता है तो इस तरह के स्टॉक हमें बॉटम पे मिलते हैं, लेकिन जब भी मार्केट में अप ट्रेंड शुरू होता है तो जो भी बॉटम वाले स्टॉक रहते हैं उसमें अपसाइड मूवमेंट आने लगते हैं और फिर हमें बॉटम पे स्टॉक बहुत ही कम मिलना शुरू होते हैं और फिर आगे जाकर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी के साथ जो भी फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट रहेगा, ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट रहेगा, चैनल ब्रेकआउट रहेगा, जो कि अलग अलग कंटिन्यूएशन पैटर्न रहते हैं, उस पैटर्न में हमें फिर स्टॉक मिलना शुरू होते हैं। तो उसी वजह से अभी ये थोड़ा ऊपर तो गया लेकिन फिर भी इसमें अपसाइड पेंडिंग है, लेकिन डेली के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें यहाँ पे अच्छा खासा सीनारियो दिख रहा है। तो ये डेली चार्ट हमने ओपन किया, डेली पे भी आपको यही सीनारियो देखेगा, राइट। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट और अच्छी तरह से मोमेंटम के साथ अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो जब भी कोई भी चार्ट अप ट्रेंड में ट्रेड करता है तो हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते ट्रेड करता है और एग्जैक्टली वही सीनारियो हमें चार्ट पे दिख रहा है, राइट। अभी इसी के साथ यानी कि जो ट्रेंड है उसका अप ट्रेंड उसी के साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अभी 200 एसएमए हमें दिख रहा है जो कि यहाँ पे येलो कलर में है, राइट राइट ये येलो कलर की लाइन। अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, राइट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया जब भी नीचे था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, आप देख सकते हैं मैक्सिमम टाइम पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे थोड़ा रुक गया था, रेजिस्टेंस लिया था। और रिसेंट चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और ये कैंडल ने थोड़ा बाहर के रीजन में क्लोज आउट दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कुछ कैंडल्स यहाँ पे अच्छी तरह से 200 एसएमए के ऊपर ट्रेड करके अच्छी तरह से क्लोज आउट दे रहे हैं, सस्टेन होकर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक हमें इंडिकेशन दे रहा है कि इसने 200 एसएमए को क्लोजिंग तो अच्छी तरह से दी है, उसी के साथ जितने भी कैंडल्स प्रिपेयर हो रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं और उसी के साथ जो भी क्लोजिंग हमें मिल रही है रिस्पेक्टिव कैंडल्स की, वो 200 एसएमए के ही ऊपर कंटिन्यूस बेसिस पे मिल रही है। तो ये एक हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि अभी इसका जो ट्रेड टेरिटरी थी इसकी, इसका जो ट्रेडिंग जोन था पहले 200 एसएमए के नीचे था, अभी वो शिफ्ट होकर 200 एसएमए के ऊपर गया है। तो ये एक हमें अप ट्रेंड के इंडिकेशन और दे रहा है, यानी कि अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और ऊपर के साइड में ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अभी जैसे कि पैटर्न ब्रेकआउट कहते हैं तो ये पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो ये जो रीजन हमने ड्रॉ किया है, ये जो दायरा हमने ड्रॉ किया है, तो ये एक पैटर्न है और ये पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल ने बहुत ही अच्छी तरह से पैटर्न को ब्रेकआउट देकर बड़ी वाली कैंडल के साथ नीचे अच्छा खासा वॉल्यूम भी है उसके साथ हमें क्लोज आउट के साथ ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो ये एक सिनेरियो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो मंथली पे बुलिश, वीकली पे बुलिश, डेली पे भी बुलिश है, अप ट्रेंड में है, हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न बना रहा है, 200 एसएमए के ऊपर जाकर सस्टेन होकर अच्छी तरह से ट्रेड कर रहा है और ये जो पैटर्न हमने बनाया है ट्रेंड लाइन के सहारे, तो ये पैटर्न को भी अच्छी तरह से क्लोज आउट के साथ ब्रेकआउट देकर अच्छी तरह से ट्रेड भी कर रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा हमें यहाँ पे दिख रहा है। जब भी हम इतने सिग्नल्स को या इतने क्राइटेरियाज को मिला लेते हैं तो लग रहा है कि ये स्टॉक में आगे जाकर अच्छी खासी मूवमेंट अपवर्ड साइड में आ सकती है, राइट। तो उसके वजह से हमने ये स्टॉक का सिलेक्शन किया है। तो जो जैसे कि हमारे टाइटल की थीम थी कि मूविंग एवरेज पैटर्न, मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट और उसी के साथ चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट, तो इस तरह से दोनों को भी ब्रेकआउट देकर सस्टेन होकर ये स्टॉक ऊपर के साइड में अच्छी तरह से ट्रेड कर रहा है। तो ये सिनेरियो मिलने के बाद ही हमने स्टॉक का सिलेक्शन किया है, राइट। अभी स्टॉक का सिलेक्शन करने के बाद नेक्स्ट का क्राइटेरिया हमारा ये रहता है कि हमें इसमें ट्रेडिंग करनी है। तो ट्रेडिंग करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि हम हर वक्त कहते हैं कि कैंडल के हाई के ऊपर जैसे वो ट्रेड करने लगेगा तभी हम उसमें पोजीशन बनाएंगे। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम स्टॉक यहाँ पे ओपन होता है यहाँ पे और हम यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। मोमेंटम कब आएगा, जब भी इसका हाई ब्रेकआउट होगा, राइट। तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा इसमें मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा तो हम वहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये कैंडल की लो के नीचे। और टारगेट अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पहला हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है ये हमारा टारगेट रहेगा, ये भी टारगेट हो सकता है, या तो जैसे आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है वहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, राइट। तो ये हमें टारगेट नजर आ रहा है। दोस्तों अभी बहुत सारे ट्रेडर्स को ये एक प्रॉब्लम रहता है कि मान लीजिए कि हम जब भी एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं और पोजीशन बनाने के बाद ही कोई इस तरह की एक रेड कैंडल प्रिपेयर होकर क्लोज होती है तो हमें लगने लगता है कि हमारा एनालिसिस पूरी तरह से रॉन्ग हुआ है और हम यहाँ पे लॉस बुक करके बाहर आते हैं। तो इसीलिए हम हर वक्त कहते हैं कि या तो हमें स्टॉप लॉस को फॉलो करना है या तो टारगेट को, यानी कि एक तो स्टॉप लॉस आया तो ही हमें एग्जिट करना है या तो टारगेट आया तो ही एग्जिट करना है, इन बिटवीन हमें कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं दोस्तों, पोजीशन बना लेते हैं और फर्स्ट कैंडल रेड में
में बनी है, लॉस दिखने लगता है तो हमें लगता है कि पूरा एनालिसिस गलत है, हम एग्जिट करते हैं लॉस में। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद देखेंगे तो यही स्टॉक फिर ऊपर जाता है, यहाँ तक जाता है, उसके भी ऊपर जाता है और फिर हमें समझ में आता है कि डिसीजन गलत था। तो उसी लिए डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। स्टॉप लॉस आने के बाद आप लॉस बुक करके बाहर आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी आप मैक्स लॉस डिफाइन करके, क्वांटिटी डिफाइन करके पोजिशन बना सकते हैं। हमने क्वांटिटी के ऊपर वीडियोज बनाए हैं, आप हमारे चैनल पर जाइए, मनी मैनेजमेंट की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं, मैक्स लॉस को डिफाइन कर सकते हैं। वो कर लीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा उसका भी, राइट। तो एक कैंडल दो कैंडल रेड बनते हैं, कुछ दिन के लिए लॉस में रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ही बाहर आना है। स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं हो रहा है तो आपको डेफिनेटली रुकना चाहिए, टारगेट तक रुकना चाहिए। अगर टारगेट अगर टारगेट तक जा रहा है और इन बिटवीन आपको ट्रेल करना पड़े तो ट्रेल भी करके आप प्रॉफिट लॉकिंग कर सकते हैं, लॉस को भी कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों अभी हमने लाइव चार्ट का एनालिसिस किया है तो डिस्क्लेमर बताना जरूरी है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।